तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और क्वेरीज आते हैं मेन्यू ट्रेनर से रिलेटेड कि मेन्यू ट्रेनर में ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो मैंने कोशिश करके आज तुम लोगों को कंप्लीट डिटेल में मेन्यू ट्रेनर जितना हो सके समझा देना है, जितना डिटेल में हो सके। और मैं इसको तेज भी रखूंगा वीडियो को, तो अगर तुम लोगों को कोई चीज समझ में ना आए तो वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो कर देना, क्योंकि जरूरी सी बात है मेन्यू ट्रेनर बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही ह्यूज चीज है। उसको समझाने में अगर मैं डिटेल में एक एक चीज स्लो लेकर चलूंगा तो सालों गुजर जाएंगे, 15-16 वीडियोस मुझे बनानी पड़ जाएंगी। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम लोगों का मेन्यू ट्रेनर अगर नहीं चल रहा या मेन्यू ट्रेनर तुम लोगों ने नहीं डाला हुआ, तुम लोगों को मेन्यू ट्रेनर डालना है, तो मैं तुम लोगों को ये वाली वीडियो रेकमेंड करूंगा। ये वाली वीडियो मैं इस वजह से रेकमेंड कर रहा हूँ, वैसे तो ये पुरानी वीडियो है मेरी, लेकिन इसको मैं इस वजह से रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने तरीका बताया था कि तुम्हारा अगर फॉर एग्जांपल पुराना GTA 5 है, जैसे 1.0.350 है या स्टीम या एपिक से डाउनलोड किया हुआ है, तो वो सारे प्रॉब्लम तुम लोगों को कैसे सॉल्व करने, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हारा अगर पुराना GTA 5 होगा तो मेन्यू ट्रेनर उसमें नहीं चल रहा होगा, लोड नहीं हो रहा होगा, एरर्स आ रहे होंगे। और हाँ, पुराने मेन्यू ट्रेनर में बहुत सारे ग्लिचेस भी होते हैं, क्रैशेस भी होते हैं, और जाहिर सी बात है नए वाले में भी होते हैं, और जो क्रैशेस वगैरह भी होंगे वो भी आज तुम लोगों को इस वीडियो में पता चल ही जाएंगे कि मेरे वाले GTA 5 वर्जन में 2699 वाले वर्जन में। अगर तुम लोगों को ये चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कैसे करना है, गाइड कर दूंगा तुम लोगों को। तो मेरे वाले वर्जन में जो जो क्रैशेस होंगे वो भी तुम लोगों को पता चल जाएंगे। वैसे मेरे वाले वर्जन में मेन्यू ट्रेनर बहुत ईजिली चल जाता है, और जो व्हील्स का ऑप्शन आता है ना, व्हील्स के ऑप्शन में जो क्रैश होने लग जाता है, वो मेरे वाले वर्जन में नहीं होता। 2699 से पहले वाले वर्जन में क्रैश हो जाता है अगर तुम लोग मेन्यू ट्रेनर में जाकर व्हील से करो। उसके लिए मैं सिंपल ट्रेनर तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा, गाड़ियों से रिलेटेड हर चीज, व्हीकल्स वगैरह से और बॉडी गार्ड से रिलेटेड मैं सिंपल ट्रेनर ही रेकमेंड करूंगा। आगे फ्यूचर में मैं तुम लोगों को सिंपल ट्रेनर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट में बता देना अगर सिंपल ट्रेनर भी समझना हो। और मैं एक कंपैरिजन भी बना दूंगा फ्यूचर में कि मेन्यू ट्रेनर वर्सेस सिंपल ट्रेनर क्या होता है, लेकिन आज हम लोग समझते हैं मेन्यू ट्रेनर। तो दोस्तों मेन्यू ट्रेनर सबसे पहले अगर तुम लोगों ने GTA 5 में डाल लिया है, तो GTA 5 रीस्टार्ट करते ही, खोलते ही तुम लोगों को अगर मेन्यू ट्रेनर ऑन करना है, तो दोस्तों अगर मैं कंप्यूटर पर हूं तो मैं यहां पर दबाऊंगा 2 बार FA। ये मैंने 2 बार FA दबाया और देख सकते हो मेरा मेन्यू ट्रेनर खुल चुका है। अगर तुम लोगों का कंप्यूटर नहीं है, तुम लोग लैपटॉप पर हो, तो 2 बार FN+FA दबाकर देखना और तुम लोगों का मेन्यू ट्रेनर खुल जाएगा। बस ये सिंपल सी इसकी टेक्निक होती है मेन्यू ट्रेनर खोलने की। मेन्यू ट्रेनर खोलते ही सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास आता है, मैं तेज स्पीड में चलूंगा, आप स्पीड को बरकरार रखना। अगर मुसीबत होती है, कोई मसला आता है समझने में, तो थोड़ी वीडियो की स्पीड को स्लो कर देना। प्लेयर्स ऑप्शन में अगर हम लोग जाएं तो इसमें गोल्ड बर्क है, एज सच इसमें कुछ भी नहीं है, तो प्लेयर्स का ऑप्शन बिल्कुल बेकार है, टॉप वाला ऑप्शन। इसके बाद हमारा आता है प्लेयर्स ऑप्शन। प्लेयर्स ऑप्शन में तुम लोग जाओगे तो सबसे पहले होगा बेसिक स्टैट्स। बेसिक स्टैट्स में हम लोग जाएं तो ये होगी माइकल की, फ्रैंकलिन की, ट्रेवर की बेसिक स्टैट्स होगी सारी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम माइकल पर हैं तो मैं माइकल पर जाता हूं। माइकल पर जाने के बाद इस प्रकार टोटल कैश वगैरह अगर तुम लोगों ने सेट करना है तो वो तुम लोग सेट कर सकते हो। इस पर सिंपली तुमने एंटर मारना है और जो भी कैश तुम लोग एंटर करना चाहते हो वो कैश एंटर कर दोगे तुम लोग। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो नंबर नजर आ रहा है 2147 48364, ये जो नंबर है ये GTA 5 की मैक्स लिमिट है। इससे ज्यादा तुम लोग नहीं लेकर जा सकते अपने किसी भी कैश को। अगर इससे ज्यादा लेकर जाओगे तो तुम्हारा GTA 5 क्रैश हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद एबिलिटीज वगैरह में आ जाएं तो ये एबिलिटीज तुम लोग स्टेमिना वगैरह, स्ट्रेंथ वगैरह, लंग कैपेसिटी, व्हीलिंग, फ्लाइंग, शूटिंग, स्टेल्थ, ये सारी तुम लोग सेट कर सकते हो। मैंने इस पर 100-100 किए हुए। तुम लोग मेन्यू ट्रेनर जैसे ही डाल दोगे तुम्हारी ये सारी की सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली 100% हो जाएंगी। इसके बाद स्पेशल एबिलिटी जो है वो भी तुम लोग सेट कर सकते हो कि कितनी करनी है। स्पेशल कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी रखना चाहते हो स्पेशल एबिलिटीज वगैरह की, वो 100% ही हमेशा रखना। इसमें छेड़खानी मत करना, कोई ऐसा इसमें चीज नहीं होती। केडी रेशो, केडी रेशो तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि कितने लोग तुमने मार दिए हैं अभी तक। जितने तुम लोग मारते जाओगे उतना वांटेड लेवल तुम्हारा बढ़ता जाएगा, बस यही होता है। डेथ काउंट वगैरह, किल काउंट वगैरह, यही चीज है। ये ऐसा कुछ नहीं है, इसको बढ़ाने कम करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे बात है हमें बंदे मार के कुछ भी मिलना नहीं है। प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर हमारी सारी प्रॉपर्टीज सेट हो सकती है कि हमारी प्रॉपर्टीज, पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे अभी हम सिनेमा चलाते हैं, माइकल सिनेमा चलाते हैं, तो हम लोग आर्म्स ट्रैफिकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कार स्क्रैप यार्ड वगैरह भी कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी, हम लोग उस तरह के बंदे बन जाएंगे। जो भी जॉब प्रॉपर्टीज हम लोग सेट करेंगे वही हम लोग काम वाले बन जाएंगे, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसके बाद दोस्तों अनलॉक ऑल अचीवमेंट है इसमें इंपॉर्टेंट, यानी अगर तुम लोग इस पर एक बार क्लिक कर दोगे तो जितनी भी अचीवमेंट होंगी GTA 5 की वो सारी की सारी तुम लोग अचीव कर लोगे। और इसके बाद हम लोग वापस चले जाते हैं मॉडल चेंजर में। मॉडल चेंजर में दोस्तों सारे मॉडल चेंजिंग वगैरह करने का ऑप्शन है, जैसे रेंडमाइज पैड वेरिएशन। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हो कुछ उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए इसने, जो भी चाहे तुम लोग इसको पहना सकते हो। माइकल देखो क्या बन गया। एनिमल्स, अगर तुम लोग कोई भी जानवर वगैरह बनना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कैट पर सेलेक्ट करता हूं, तो माइकल बेचारा बिल्ली बन चुका है यार, बेचारा माइकल।
तो यहाँ से कोई भी जानवर तुम लोग सेट कर सकते हो। यहाँ से मैं वापस चला जाऊँ, एक मिनट रुको जरा, माइकल दोबारा से मुझे बनना है अगर, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो एम्बियंट फीमेल। अगर मैं फीमेल कोई बनना चाहता हूँ तो बीच फीमेल बन जाऊंगा मैं। इसके अलावा मैं फॉर एग्जाम्पल कोई एम्बियंट मेल बनना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी मेल बन जाऊंगा। जैसे मैं बीच मेल बन गया, ये बीच मेल बन गया, ये पूरी प्रॉपर्टीज तुम्हारी चेंज होती जाएंगी, तुम लोग मॉडल चेंजर से चेंज कर सकते हो। अब हमने अगर माइकल दोबारा बनना है तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली आना है स्टोरी मॉडल्स में। स्टोरी मॉडल्स में होता है माइकल, बाकी तो तुम लोग ये सारे सेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो जो भी तुम लोग चाहो इसमें, सिनेरियो फीमेल वगैरह सारे जितने भी हैं सारे के सारे इसमें चेक कर सकते हो। कटसीन मॉडल्स, गैंग फीमेल, गैंग मेल, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये सारे मैं चेक नहीं करवाऊंगा क्योंकि जैसी बात है बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम लोग आएंगे स्टोरी मॉडल्स में। स्टोरी मॉडल्स में आने के बाद हम लोग जाएंगे एम में। यहाँ पर देख सकते हो ट्रेवर भी आ गया। मैं फॉर एग्जांपल ट्रेवर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये ट्रेवर बन गया, देख सकते हो ट्रेवर ने मास्क वगैरह कुछ पहना हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग बन जाते हैं माइकल दोबारा से, मैं तुम लोगों को बन के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आया एम में और मैं ये माइकल बन गया, तो ये सिंपल माइकल हमारा बन चुका है, उल्टे सीधे कपड़ों के साथ, कोई भी स्पेसिफिक रैंडम इसमें ड्रेस वगैरह आ जाएंगे, तो ये माइकल बन चुका है। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ और फेवरेट्स में जो डाल दोगे वो तुम्हारे सामने ही आ जाएगा। फेवरेट में जैसे मैंने माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर डाले हुए, किसी पर भी क्लिक करेंगे तो हम वही बन जाएंगे इंस्टेंटली। अब यहाँ से मॉडल चेंजर से हम लोग वापस जाते हैं, फिर हम आते हैं वार्डरोब पे। वार्डरोब में फ्रंट व्यू को ऑन कर दोगे तो बेसिकली तुम्हारा फ्रंट व्यू दिखाने लग जाएगा कि माइकल जो है वो कैसा दिखता है फ्रंट से। आउटफिट्स में जाओगे जो तुमने सेव किए होंगे आउटफिट, जैसे मैंने गैंग वॉर का आउटफिट सेव किया हुआ है माइकल का, तो मैं ये क्लिक करूंगा, इसको अप्लाई करूंगा तो माइकल का आउटफिट चेंज हो जाएगा, बस यही आउटफिट वगैरह में। इसके अलावा यहाँ से मैं वापस जाता हूँ, डीकल ओवरलेज मतलब टैटूज वगैरह हो गए, देख सकते हो यहाँ पर टैटूज वगैरह हो जाएंगे सारे, जो भी टैटूज वगैरह तुम लोग बनाना चाहते हो ये टैटू बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ से अगर हम वापस चले जाएं डैमेज ओवरलेज, तो जो भी इसको डैमेज वगैरह देना चाहते हो, जैसे यहाँ पर मैंने इसको डैमेज दे दिया, ये डैमेज दे दिया, तो ये सारे डैमेज वगैरह लग जाएंगे इसको माइकल को। यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ, डैमेजेस हटाने हैं अगर, वैसे तो डैमेजेस कुछ ये समझो कि कुछ सेकंड्स में तकरीबन 10 सेकंड में 15 सेकंड में गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को हटाने तो प्लेयर ऑल विजिबल डैमेज कर दोगे, यहाँ पर सारे डैमेजेस खत्म हो जाएंगे। मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, हेड फीचर्स में तुम लोग जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पर हेड फीचर नहीं चल रहा बेसिकली मेरा, ये मेन्यू ट्रेनर का ग्लिच है। अगर हम लोग जाते हैं एसेसरीज में तो तुम्हारे हैट्स और ग्लासेस वगैरह, फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग पहनना चाहो, ये मैंने पहना दिए इसको, एक मिनट कौन से ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं, मेरे ख्याल में एक इसके सिंपल वाले ग्लासेस होते ना, ये ग्लासेस इस पर अच्छे लग रहे हैं, हमने ग्लासेस इसको पहना दिए, एयर पीस, वॉचेस वगैरह जो भी तुम लोग चाहो वो कर सकते हो। क्लियर एसेसरीज करोगे ग्लासेस वगैरह हट जाएंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ, हेड फीचर्स में अगर तुम लोग चाहो तो इसके सारे चेंजेस वगैरह कर सकते हो। हेड फीचर पर दोस्तों मैंने जाने की कोशिश की तो मेरा क्रैश हो गया था गेम, देख सकते हो। अब मैंने दोबारा से लोड किया है तो हेड फीचर बेसिकली मेरा नहीं चल रहा। इसके बाद बियर्ड और मास्क वगैरह में है, अगर मैं बियर्ड वगैरह कोई सेट करना चाहूँ तो सेट कर सकता हूँ। इस तरह से हेयर्स, बाल सेट करना चाहो, टॉर्सो यानी ऊपर वाला टी शर्ट वगैरह पहनना चाहो, लेग्स यानी जीन्स वगैरह पहनना चाहो, हैंड्स यानी हाथ में कुछ शूज में बकायदा, ये सारी चीजें तुम लोग सारी सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट कंपोनेंट्स पर तुम लोग क्लिक करोगे तो माइकल का जो सूट वगैरह है वही कंपोनेंट वगैरह बन जाएगा। पुलिस माइकल पर क्लिक करोगे तो पुलिस वाला माइकल बन जाएगा। फायर फाइटर पर क्लिक करोगे तो फायर फाइटर बन जाएगा। बहुत ही इजी सिंपल चीजें, कोई इतनी ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से वापस जाना है और मैंने जाना है एनिमेशन पे। एनिमेशन में दोस्तों ये सारी तुम्हारी ये समझो कि मूवमेंट्स वगैरह हैं, जैसे पोल डांस का अगर मैं करता हूँ तो पोल डांस माइकल करने लग गया, हुड डांस का करता हूँ तो हुड डांस करने लग गया, बर्निंग का करता हूँ तो जलने लग जाएगा, और इसको अगर मुझे स्टॉप करना है तो ये स्टॉप एनिमेशन कर दिया। और अगर मैं चाहूँ बहुत सारे एनिमेशन कोई सर्च वगैरह करना चाहूँ तो यहाँ से बिल्कुल नीचे आऊंगा, ऑल एनिमेशन में जाऊंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा, जो भी एनिमेशन में सर्च करूंगा यहाँ पर वो आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ टॉक करने की, तो यहाँ पर टॉक करने की सारी आ जाएंगी, और मैं सर्च करता हूँ एनिमेशन हैंड्स अप की, तो यहाँ पर ये हैंड्स अप की एनिमेशन आ जाएगी, देख सकते हो हैंड्स आ गया, हैंड्स अप वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर तुम लोग कोई भी एनिमेशन लगाना चाहो, जो भी एनिमेशन देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे यहाँ पर अरेस्ट का एनिमेशन है, यहाँ पर ये रहा अरेस्ट मूवमेंट, अरेस्ट मूवमेंट में मैं यहाँ पर आ जाऊंगा आइडल, तो देख सकते हो ये बेचारा जमीन पर बैठ चुका है माइकल, और ये अरेस्ट हो चुका है, एक तरह से सरेंडर कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे एनिमेशन है, एनिमेशन अलग ही दुनिया है एक, तुम लोगों को ये पूरा सर्च करना पड़ेगा। ऑल एनिमेशन में आकर बहुत सारे एनिमेशन है, 17,147 एनिमेशन है, करोड़ों नहीं है, 17,000 एनिमेशन है, तो 17,000 के 17,000 एनिमेशन तुम लोग चेक कर लेना, जो भी तुम लोगों को समझ में आए वो अपना फेवरेट करते जाना और वो एनिमेशन तुम्हारा यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये देख सकते हो फेवरेट्स हैं, फेवरेट्स में जो भी जाओगे तुम लोग एनिमेशन पे, तुम लोगों ने जो सेव किया हुआ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, एनिमेशन में इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि एनिमेशन के लिए तो अलग ही वीडियो लग जाएगी, बहुत ही ज्यादा एनिमेशन होते हैं। इसी तरह दोस्तों सिनेरियो एक्शंस भी हैं, सिनेरियो एक्शंस वगैरह जो होते हैं वो हमारे, ये समझो पहले एंड सिनेरियो कर दूं, यहाँ पर मैंने एंड सिनेरियो किया, जो सरेंडर कर दिया था इसने, ये वापस खड़ा हो गया।
बेसिकली सिनेरियोज जो होते हैं वो तुम्हारे काम से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं ड्रिलिंग इससे करवाऊँ तो ये देख सकते हो ड्रिलिंग करने लग गया, माइकल ड्रिल करने लग गया, और इससे फॉर एग्जाम्पल मैं हैमरिंग करवाऊँ तो ये हैमरिंग करने लग जाएगा, मैकेनिक बनवाऊँ तो मैकेनिक बन जाएगा, ये देख सकते हो गाड़ी के नीचे डाल दोगे गाड़ी रिपेयर करने लग जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें इसकी, एक मिनट रुको जरा तो मैं उनको दूर से दिखा दूं। अब यहाँ पर जितने भी सिनेरियो एक्शंस हैं वो सारे ऑल सिनेरियोज में मौजूद होते हैं, ये भी बहुत सारे होते हैं, 460 सिनेरियो एक्शंस होते हैं। तो ये भी तुम लोग बारी 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 सारे ट्राई करोगे तभी तुम लोगों को एक्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिनेरियोज हैं। और तुम लोगों को अगर मैं ये समझाने लगूंगा तो इसके लिए भी मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ जाएगी, इस वजह से ये भी तुम लोगों को खुद ही सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। बेसिक मैंने समझा दिया कि करना कैसे है तुम लोगों ने सारा कुछ। यहां से मैं वापस चले जाता हूं, फिर हम आते हैं मूड्स वगैरह पर। मूड्स जो है वो नॉर्मल एमिंग वगैरह यानी चेहरे के जितने भी स्टाइल्स वगैरह होंगे ना वो सारे ये मूड्स में आ जाएंगे। मैं तुम लोगों को करीब से दिखा देता हूं, एक मिनट रुको जरा माइकल बिल्कुल करीब से अपना चेहरा दिखा दो। एक मिनट, यहां पर जैसे ये मैंने किया एंग्री हो गया माइकल, यूं करके हो गया हैप्पी, ये खुश हो गया माइकल, इंजर्ड बहुत जोर की चोट लग गई इसे, तो ये बहुत सारे डिफॉल्ट सेट कर दूं, डिफॉल्ट हो जाएगा माइकल, नॉर्मल कर देता हूं उसको, नॉर्मल हो गया। यहां पर ये मूव्स वगैरह तुम लोग सारे सेट कर सकते हो इससे। इसके अलावा यहां पर होगा मूवमेंट स्टाइल्स यानी चलेगा कैसे, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सारी चीजें वो यहां पर तुम लोग सेट कर सकते हो। जैसे यहां पर मोटा तुम लोगों का अगर कर दोगे तो यहां पर देख सकते हो माइकल जो है वो मोटा होकर जैसे मोटे चलने लग जाते हैं, फैल कर वैसे चलने लग जाएगा। लेस्टर की तरह अगर कर दोगे तो देख सकते हो लेस्टर की तरह चलने लग गया, ये लेस्टर वाला स्टाइल हो गया इसका। एक मिनट को चल के दिखाता हूँ तुम लोगों को, देखो देखो लेस्टर की तरह चल रहा है ना ये बिल्कुल, तो ये लेस्टर बन जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग इसकी सारी एनिमेशन वगैरह सेट कर सकते हो माइकल की, कि तुम लोगों ने किस तरह से इसको चलाना है, ये सारा आ जाएगा मूवमेंट स्टाइल्स में। इसके बाद हम लोग वापस जाएंगे स्पीच प्लेयर, अगर तुम लोग कुछ बोलवाना चाहते हो, बातचीत करवाना चाहते हो, तो वो सारी चीजें यहीं पर ही हैं। ये जो है जितनी भी है सारी वार्निंग्स वगैरह स्पीच वगैरह हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ वार्निंग, अब सुनना गौर से, मैं फिर से इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखा वार्निंग हाई एल्टीट्यूड, ऐसे तुम लोग कुछ भी बुलवाना चाहो बुलवा सकते हो। बहुत सारे इसमें डायलॉग्स वगैरह होते हैं, अगर तुम लोग कोई डायलॉग्स वगैरह बनाना चाहते हो तो वॉइस चेंजर वगैरह स्पीच प्लेयर वगैरह इससे ही होगा। वॉइस चेंजर तुम्हारे जैसी बातें समझ गए होगे कि किसी और की अगर आवाज लगानी है माइकल पर तो इससे होगा वॉइस चेंजर से। इससे मैं वापस चले जाता हूँ पेड फ्लैग्स बेसिकली तुम लोगों को कस्टम कोई एक्शन सेट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी गाड़ी टकराती है तो मैं विंडोज या समझो कि विंड स्क्रीन से तोड़ के विंड स्क्रीन को बाहर आ जाता है माइकल। अगर तुम इसको एंटर कर दोगे क्लिक कर दोगे तो ये विंड स्क्रीन से बाहर नहीं आएगा, उससे टकराकर अंदर ही बैठा रहेगा, जो भी एक्सीडेंट हो जाए ये वहीं पर ही रहेगा। और फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने कस्टम कुछ लगाना है तो यहाँ पर तुम लोग सेट कर सकते हो, इसको बहुत सारे होते हैं आईडी ऑप्शन वगैरह होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमिंग करना है, एमिंग चेक करना है, ये लोगों को घूरने लग जाएगा, चेक करने लग जाएगा लोगों को। और फॉर एग्जांपल इज इंजर्ड तो ये चोट लग जाएगी, इसको देख सकते हो अगर ये चलेगा भी तो ऐसे ही चलेगा जैसे इसको चोट लगी हुई है, देख रहे हो चोट लगी हुई हो गई। ये पेड फ्लैग तुम लोग सेट कर सकते हो और फिर इसको इंस्टेंटली तुम लोग ट्राई कर सकते हो अगर तुम लोगों ने कुछ भी कस्टम इसमें सेट कर दिया होगा। यहां से मैं वापस जाता हूं पेड फ्लैग्स में से, यहां पर ट्रिगर इफेक्ट्स यानी एफेक्ट्स होते हैं ना, यानी ये समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टार बर्ड्स देखना, अभी स्टार बर्ड्स होने लग जाएगा, फाउंटेन ये देख लो फाउंटेन हो गया, शॉर्ट बर्ड्स पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बस हमें एनिमेशन नहीं है, स्टाइल्स हैं एक तरह की क्या है अफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा है स्पायरल वगैरह, तो ये तुम लोगों को अगर कुछ करना है जैसे फॉर एग्जांपल पटाखे वटाखे दिखाना चाहते हो आसमान पर फट रहे हैं और जो है बम बम दिखाना चाहते हो तो वो सारे तुम लोग ये कर सकते हो, स्पेशल एफेक्ट से सेट कर सकते हो। अब आगे दोस्तों ब्रीद स्टॉप में दोस्तों तुम लोगों ने देखा होगा कि अशरफ भाई गाय फ्रॉम पाकिस्तान की वीडियो में रेकमेंड कर रहा हूं मैं, देखना वीडियो यार बड़ा मजेदार वीडियोस होती है, गाय फ्रॉम पाकिस्तान का चैनल देखना। अभी तो उसने HK भाई के नाम से बनाया है, बहुत जबरदस्त वीडियो बनाता है उसमें, अशरफ भाई है हो सकता है तुम लोग जानते ही हो। अब वो अगर दोस्तों पान थूकता है तो वो कैसे करता है, वो ऐसे करता है, ये देखना, ये करके दिखा अब कर जे दबाऊंगा, देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है जे दबाऊंगा तो ये जो है ये देख लो अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो ऐसा लगेगा जैसे पान थूक रहा है ये। तो अशरफ भाई जो पान वान थूकता है वो ऐसे ही थूकता है इस वाले से ब्रीद स्टफ वगैरह से। अगर मैं इस पर फायर पर क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं जी दबाता हूँ तो देख सकते हो माइकल भाई आग निकाल जाए मुंह से, ड्रैगन ड्रैगन बन गया। अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ बनाना है तो तुम लोग ये बना सकते हो। इसको मैं नन सेलेक्ट कर देता हूँ, ये जे से वैसे होता है, नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है। यहाँ से मैं वापस चले जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ घोस्ट राइडर मोड पे। अगर मैं इसको टोगल कर दूंगा तो देख सकते हो ये घोस्ट राइडर मोड पे आ जाएगा, पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसा घोस्ट राइडर तो नहीं होता। खैर इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए घोस्ट राइडर, तुम लोग ये सेटिंग में देखते रहना अगर घोस्ट राइडर चाहिए तो। ओपेसिटी लेवल तो तुम लोगों को पता ही है, गायब होने का लेवल है। अगर मैं इसको सेट करूं जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर दूं 34% तो माइकल जो है वो हो जाएगा थोड़ा सा गायब हो जाएगा। अगर तुम लोग गायब मूवी बनाना चाहते हो तो 19% करके इसको पूरा पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, लोगों के साथ मस्तियां कर सकते हो, ये है तुम्हारा गायब होने का। इसको मैं रीसेट कर देता हूं, माइकल दोबारा आ गया वापस। यहां से मैं वापस जाता हूं क्लोनिंग ऑप्शन, अगर मैं माइकल का क्लोन बनाना चाहता हूं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसका ट्विन ब्रदर अगर बनाना चाहता हूं तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लोन एज न्यूट्रल कर दूंगा तो देख सकते हो माइकल न्यूट्रल बन गया। अब ये अपनी मर्जी से जा रहा है, पता नहीं दुनिया में घूमता रहेगा, GTA 5 में कहीं भी घूमता रहेगा।
क्लोन एज कंपेनियन कर दूंगा तो ये इसका दोस्त बन जाएगा, देखना इसके साथ ही रहेगा। ये देखो माइकल के साथ हर वक्त है, मैं माइकल बन के कहीं भी जाता हूँ तो ये मेरे साथ साथ आएगा, ये आ रहा मेरे साथ, सही है। क्लोन एज एनिमी कर दूंगा तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा ये दुश्मन बन जाएगा। तो मैंने दुश्मन अभी एक मिनट बनाकर दिखा देता हूँ, क्लोन एज एनिमी अगर करता हूँ ना ये मुझे मारने लग जाएगा। मारना कहाँ जा रहा है अभी, कहाँ जा रहा है अभी, निकल के भाग गया तो पट्टू निकला दुश्मन बनने की वजह निकल के भाग गया। खैर हो सकता है वो दूसरे वाले माइकल से लड़ने गया हो जो हमने क्लोन एज न्यूट्रल किया था। खैर ये तुम लोग इससे सेटिंग वगैरह कर सकते हो, क्लोनिंग वगैरह की। यहां से अगर मैं आता हूँ रेप्लेनिश प्लेयर को, अगर डैमेज वैमेज है मेरे प्लेयर, उसको कोई चोट वगैरह लगी हुई है, मैं रेप्लेनिश पर क्लिक करूंगा तो मेरा प्लेयर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रिफिल हेल्थ व्हेन इन कवर, कवर जब लेगा तो उसकी हेल्थ जो है वो रिफिल होने लग जाएगी। इनविंसिबिलिटी तो तुम लोगों को पता ही है, इनविंसिबिलिटी का मतलब है कि माइकल को कुछ भी कर लो, ट्रेवर को कुछ भी कर लो, फ्रैंकलिन को कुछ भी कर लो, कितनी भी गोलियां मार दो वो मरेंगे नहीं, उनको भी डैमेज वगैरह नहीं लगेगा। इनविजिबिलिटी तो तुम्हें पता ही है, इनविजिबिलिटी पर क्लिक कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। तुमने फॉर एग्जांपल कोई ऐसी गाड़ी बनानी है, बाइक लगानी है, ट्रॉन वगैरह, जैसे ट्रॉन की जो बाइक वगैरह होती है उसके लिए इनविजिबल करना पड़ता है कैरेक्टर को, तो ये इनविजिबल इससे हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, वापस माइकल जो है वो विजिबल हो गया। नो रैग डॉल, यानी कोई पुतला उतला नहीं बनेगा। सीट बेल्ट, अगर तुम गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना चाहते हो तो इसको ऑन कर देना। अनलिमिटेड स्पेशल एबिलिटी भी तुम लोगों को पता ही होगा। ऑटो क्लीन, यानी ये समझो कि साफ सुथरा हो जाएगा जितना भी गन वन लगा होगा। सुपर रन, बहुत तेज भागेगा। सुपर जंप, ये देख सकते हो सुपर जंप, ये यहाँ से जंप किया, कितना ऊंचा जंप मारा है इसने बेचारा, वो भाग के आ ही जा रहा है, अभी पीछे लगा हुआ है मेरे कंपेनियन जो है मेरा, इस वजह से अब ये सुपर जंप इसने कर दिया। इसके अलावा वॉक अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर स्विमिंग करने की वजह ये तैरने लग जाएगा। फोर्स फील्ड, अपने इर्द गिर्द फोर्स फील्ड बना लेगा, ये चेक करते रहना तुम लोग। फिर इसकी स्मैश एबिलिटी है। फ्लाई मैनुअल, यानी तुम लोग नम पैड पर 7 का बटन दबाओगे, ये देख सकते हो उड़ने लग जाएगा। और मैं वापस इसका 1 दबाता हूँ और जमीन पे आकर गिर गया बेचारा। फ्लाई ऑटो, खुद ब खुद ही उड़ने लग जाएगा ये, इग्नोर्ड बाय एवरीवन, हर कोई इसको इग्नोर करने लग जाएगा। ये देखो जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, किसी के भी मैं पास जाऊंगा ना वो मेरे से निकल के भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो इग्नोर्ड बाय एवरीवन ऑन नहीं करना, वरना सारे भाग जाएंगे तुम्हारे से दूर। वॉन्टेड लेवल तो तुम लोगों को पता ही है, अगर तुम लोगों को पुलिस पीछे लगवानी है तो इसको 1 कर दो, यहाँ से पुलिस सायरन बजने लग जाएंगे, पुरानी पुलिस तुम्हारे पीछे आ जाएगी। यहाँ पर मैं बहुत हैवी अगर कर दूँ तो बहुत ही ज्यादा पुलिस आ जाएगी, बहुत ही मेरे पीछे लग जाएगी। और अगर तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा पुलिस लगी हुई है तो तुम लोगों ने इसको सिर्फ यहाँ पर 0 कर देना और पुलिस तुम्हारे पीछे से हट जाएगी। नेवर वॉन्टेड मतलब तुम्हें पता ही होगा कि कभी भी पुलिस पीछे लगी नहीं सकती, इसको मैं ऑन कर दूँ, मुझे नहीं चाहिए मेरे पीछे कभी पुलिस लगे। बर्न मोड, यानी जलने लग जाएगा। हाइट अगर तुम लोगों ने इसकी जो भी सेट करनी है, देखो बड़ा हो गया, लंबा हो गया, माइकल इतना लंबा हो गया, माइकल को दोबारा से नॉर्मल हाइट का कर दी। मूवमेंट स्पीड, चलने की स्पीड तुम लोग सेट कर सकते हो। स्वेट लेवल, पसीने कितने आए माइकल को वो तुम लोग सेट कर सकते हो, पसीनों से भर जाएगा जितने ज्यादा सेट करोगे। इसको मैं 0 ही रहने दूं, मुझे माइकल को पसीने नहीं दिलवाने। नॉइज लेवल, यानी शोर कितना होगा उसका। कोलिजन को कभी भी मत छेड़ना, कोलिजन को अगर छेड़ोगे तो गेम खराब हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा, ये जमीन के अंदर चला जाएगा, दीवारों के अंदर चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, गेम खेल ही नहीं पाओगे। तो कोलिजन को कभी भी नहीं छेड़ना तुम लोगों ने। यहां से मैं वापस चला जाता हूँ। प्लेयर ऑप्शन दोस्तों हमारे हो चुके, बड़ी मेहनत लगी प्लेयर ऑप्शन समझाने में। अब मैं व्हीकल ऑप्शन तुम लोगों को समझाता हूँ, फिर बाकी ऑप्शन बहुत तेजी से समझाने की कोशिश करूंगा। व्हीकल ऑप्शन में दोस्तों हम लोग जाएंगे तो गाड़ियों से रिलेटेड सारी चीजें ही हैं। वैसे दोस्तों मैं सिंपल ट्रेनर रेकमेंड करता हूँ कि गाड़ियों के लिए, स्पॉनिंग के लिए, गाड़ियों को मॉडिफाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सिंपल ट्रेनर यूज करो, क्योंकि सिंपल ट्रेनर गाड़ियों को ना गायब करता है, ना गेम को क्रैश करता है, इनवैलिड मॉडल भी नहीं आता सिंपल ट्रेनर पर, इसलिए सिंपल ट्रेनर यूज करो। कोशिश करके मैं सिंपल ट्रेनर वगैरह भी समझा दूंगा, तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता देना अगर सिंपल ट्रेनर तुम लोगों को समझना है। यहाँ पर दोस्तों टेलीपोर्ट इनटू क्लोजेस्ट व्हीकल, यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स होंगे ना, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हो ट्रक के अंदर माइकल घुस गया, जो क्लोजेस्ट व्हीकल था उसके अंदर जाकर बैठ गया। बस सिंपल ये काम होता है इसका, तुम लोग क्लिक करोगे तो कहीं भी क्लोजेस्ट व्हीकल में ये घुस जाएगा सिंपली, और कोई भी इतनी ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है इसमें। इसके बाद दोस्तों अगर हमारा व्हीकल स्पॉनर है, अगर हम व्हीकल को स्पॉन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और स्पॉन सेटिंग्स में जाएंगे तो उसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो जैसे भी करना चाहो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी आ रहे, चल चल के बेचारा आ गया, चलो माइकल फिर से आ गया कंपेनियन। ऑटो सेट इन व्हीकल को तुम लोग ऑफ कर दोगे तो गाड़ी जैसे ही स्पॉन करोगे उसके अंदर नहीं बैठेगा। स्पॉन प्री अपग्रेडेड, पहले से ही अपग्रेडेड स्पॉन होगी। स्पॉन इनविंसिबल, यानी कबाड़ा हो ही नहीं सकती, टूट फूट ही नहीं सकती गाड़ी। स्पॉन परसिस्टेंट, यानी वो मैप के अंदर बार बार आती रहेगी, जितनी बार भी GT5 रीस्टार्ट करो, लेकिन ये चलता वलता नहीं है, परसिस्टेंट मॉड फिर भी डालना पड़ता है। प्राइमरी पेंट, गाड़ी जो भी स्पॉन हो उसका क्या पेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लासिक में जाता हूँ और मैं कर दूं येलो, मुझे येलो गाड़ियां डालना पसंद है क्योंकि वो हमारे उसमें थंबनेल में बहुत अच्छी लगती है, येलो कलर की गाड़ियां। येलो कलर तो तुम्हें पता है अट्रैक्ट करता ही है, इसको मैं येलो सेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ। सेकेंडरी पेंट जो भी चाहे वो तुम लोग सेट कर सकते हो। ये RGB कलर्स वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ तुम लोगों को नंबर प्लेट अगर चाहिए तो यहाँ पर नंबर प्लेट की सेटिंग वगैरह कर सकते हो, जो भी नंबर प्लेट तुम लोगों को चाहिए। जैसे मुझे यैंगटन की चाहिए और हर नंबर प्लेट पर लिखा होना चाहिए दी नूब, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दी नूब।
हर नंबर प्लेट पर अब मैं जो भी गाड़ी स्पॉन करूंगा उस पर नंबर प्लेट ऑटोमेटिकली भी नीचे हो जाएगी। इनेबल प्रीव्यूज, अगर तुम लोग गाड़ी के प्रीव्यू वगैरह देखना चाहते हो तो इसको ऑन कर देना, यहाँ से मैं वापस चले जाता हूँ। इसके अलावा सेव व्हीकल्स तुम्हारे जो होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी तुमने डाले हुए होंगे। फेवरेट जो बनाए हुए होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैंने फेवरेट बनाई हुई है अपनी लैंड क्रूजर, मैं इसको अब तो लोड ही नहीं हो सकती क्योंकि मैंने मॉड्स का फोल्डर ही डिलीट कर दिया था लास्ट वीडियो में। यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ और फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई गाड़ी लोड करनी है, सुपर कार कोई लोड करनी है, तो यहाँ पर मैं गाड़ी लोड कर सकता हूँ। जैसे मैंने टर्जो मिलिनियो डाली हुई है तो मैं यहाँ पर इसको लोड कर लेता हूँ। कहाँ है मेरी गाड़ी, ये देख लो येलो कलर में मेरी गाड़ी आ चुकी है और इसकी नंबर प्लेट भी मैं तुम लोगों को दिखा दूँ। नंबर प्लेट पर दिनूब लिखा होगा, नंबर प्लेट देख सकते हो दिनूब लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैंने ये सारी सेटिंग्स वगैरह कर दी है, तो तुम लोग स्पॉन सेटिंग में ऐसे गाड़ी वगैरह स्पॉन कर सकते हो और कोई ऐसा बेसिक इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं जाता हूँ मेन्यू कस्टम में। अब ये गाड़ी को मुझे मॉडिफाई अगर करना है तो मेन्यू कस्टम में सारी चीजें होंगी, मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा फिर मैं इसके सारे चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ। यहाँ पर रिपेयर फॉर व्हीकल आ जाएगा, मेरी गाड़ी अगर टूट जाती है कुछ हो जाता है तो उसको मैं रिपेयर कर सकता हूँ। ये रिपेयर फुल व्हीकल से, इसको मैं फुल कर दूंगा तो पूरी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, कीप डर्ट डर्ट रहेगी और उसके विंडोज ओपन रहेंगे, तो ये सारी चीजें इसमें। यहाँ पर हम लोग आते हैं मेन्यू कस्टम में। मेन्यू कस्टम में व्हील्स पर जाएंगे अगर हम लोग, तो मोस्टली लोगों का व्हील्स पर GTA 5 क्रैश हो जाता है, लेकिन अगर तुम लोगों ने सिंपल ट्रेनर डाला होगा तो वो क्रैश नहीं होगा, क्योंकि जैसी सी बात है GTA 5 अगर पुराना होगा ना और मेन्यू ट्रेनर तुम लोग व्हील्स पर जाते हो मेन्यू ट्रेनर से तो वो क्रैश हो जाता है। मेरा नहीं हो रहा क्योंकि मेरा 2699 वर्जन है, मेरे वर्जन पर क्रैश नहीं होता, मोस्टली क्रैशेस वगैरह नहीं होते। तो तुम लोग इसके टायर्स वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ से मैं वापस चले जाता हूँ, इंजन वगैरह, ब्रेक्स वगैरह, ट्रांसमिशन, हॉर्न, सस्पेंशन, आर्मर यानी कितनी ज्यादा मजबूत होगी, पेंट्स, नियॉन लाइट्स, नाइट्स कैसी होती हैं, डोर्स दरवाजे खुले हुए हो या बंद हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल कर देता हूँ, सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ऑल कर देता हूँ सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। यहाँ से वापस जाता हूँ, विंडोज वगैरह भी खुलना बंद होना और कौन से कलर वगैरह की वो है सारा, जैसे टिंट कर दिया, टिंट से हटा दिया और सारी विंडोज खोल दी, सारी विंडोज बंद कर दी, ऐसी सारी चीजें होती हैं। और क्रू एम्बलम इतना कोई खास नहीं होता, उसको छोड़ दो। एक्स्ट्रा में अगर तुम्हारा मॉड एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है तो यहाँ पर एक्स्ट्राज मौजूद होंगे। टर्बो अगर गाड़ी को बहुत तेज करना चाहते हो तो इसको ऑन कर दो। जियोन लाइट, जिनॉन लाइट्स अगर करवाना चाहते हो, लोअर सस्पेंशन, हेडलाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो बहुत तेज लाइट हो जाए, प्लेट टाइप तुम लोगों ने कैसे रखनी है, उस पर लिखा हुआ क्या होना चाहिए, इंजन ऑडियो, इंजन ऑडियो। हर कोई मुझसे पूछता है कि गाड़ी की आवाज नहीं आ रही, गाड़ी की आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा गाड़ी की आवाज में, आवाज चेंज करनी है, तो वो सारा कुछ इंजन ऑडियो से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंजन ऑडियो में जाऊंगा, सेलेक्ट व्हीकल करूंगा, यहां पर मैं कोई भी गाड़ी का इंजन ऑडियो सेलेक्ट कर सकता हूं जो भी मेरा हो। जैसे मैं एसयूवी में जाऊंगा, मैं यहां पर कर देता हूं एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन का इंजन इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, आवाज चेंज हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों तुम लोग कोई भी इसमें आवाज डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग चाहो तो इसमें जहाज की भी आवाज डाल सकते हो, कि मैंने जहाज की आवाज डाल दी तो इसमें कुछ भी तुम लोग आवाज वगैरह डाल सकते हो। अब ये गाड़ी की सारी हो गई सेटिंग्स वगैरह, जितनी भी आवाज वगैरह होती है। हॉर्स पावर अगर गाड़ी बहुत तेज करनी है तो इसको बढ़ा दो, टॉर्क मल्टीप्लायर बहुत तेज भगानी है इसको बढ़ा दो, टॉप स्पीड कितनी सेट करनी है इस पर एंटर मारोगे तुम लोग इसको कर दो 400 टॉप स्पीड हो जाएगी। लाइट्स वगैरह अगर तुम लोग ऑन वगैरह करवाना चाहते हो, यहाँ से लाइट सारी ऑन कर दोगे तुम लोग, हैजर्ड लाइट्स ऑन हो गई, हेडलाइट्स ऑन हो गई, तो ये सारे लाइट्स वगैरह तुम लोग कर सकते हो। ऑटो अपग्रेड पर क्लिक करोगे तो खुद ब खुद ही गाड़ी अपग्रेड हो जाएगी, जितने भी चेंजेस करवाना चाहते हो इसमें हो जाएंगे। और इंजन वगैरह, इंजन अगर ऑन करना है, और ये LSC स्टाइल पार्ट सिलेक्शन इसको छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से मैं वापस जाऊंगा, व्हीकल वेपन्स अगर वेपन्स लगाना चाहते हो, व्हीकल मल्टीप्लायर्स अगर व्हीकल्स में मल्टीप्लाइंग करना चाहते हो, जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहते हो, ब्रेकिंग बढ़ाना चाहते हो, ट्रैक्शन यानी जमीन पे अटैच करवाना चाहते हो ज्यादा, तो वो सब यहीं से होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर तुम लोगों को स्पीडोमीटर लगाने तो यहाँ पर तुम लोग क्लिक करोगे और स्पीडोमीटर को डिजिटल कर दोगे तो देख सकते हो 0 किलोमीटर पर आवर आ गया। एनालॉग कर दोगे तो तुम्हारा ये एनालॉग आ जाएगा, इसमें सारी चीजें वगैरह सेट कर सकते हो, ये तुम्हारा स्पीडोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मुझे अभी स्पीडोमीटर नहीं चाहिए। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ, मल्टी प्लेटफॉर्म नियॉन्स वगैरह तुम लोग खुद चेक करते लेना, नियॉन लाइट्स वगैरह होती हैं। PV ऑप्शंस भी तुम लोगों को जो है, रिमेंबर व्हीकल वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये रिमेंबर व्हीकल में समझ जाओ कि तुम्हारा जो व्हीकल होगा वो ये याद रखेगा, और कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है। ऑटो ड्राइव भी ऑटोमेटिकली खुद ड्राइव करने लग जाता है, और ये समझो कि वे पॉइंट पर चला जाता है ये ऑटो ड्राइव करके, तो तुम लोग इसको ऑन कर दोगे तो ये वे पॉइंट पर वैसे ही चला जाएगा, अगर तुम लोगों ने कोई वे पॉइंट सेट किया है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ड्राइविंग स्टाइल नॉर्मल ही रखना, ट्रैफिक के सिग्नल वगैरह को बड़े तरीके से फॉलो करेगा, किसी भी गाड़ी को ठोकेगा नहीं, स्पीड वगैरह सेट कर सकते हो, सारी चीजें इसमें सेट कर सकते हो। यहाँ से मैं वापस चले जाता हूँ, डाउनफोर्स जमीन के ऊपर कितना उसको दबा के रखना चाहते हो, ओपेसिटी लेवल वही गायब होने का, डैमेज एंड डिफेंस कितना ज्यादा डिफेंस होना चाहिए उस पर, इनविंसिबिलिटी तो वही हो गया कि ये कभी भी डैमेज नहीं होगी, और इनविजिबिलिटी यानी गायब हो जाएगी, ये लोग गाड़ी गायब हो गई, माइकल हवा में बैठा हुआ है। यहाँ से मैं इसको वापस ले आया, ऑटो रिपेयर खुद ब खुद रिपेयर होने लग जाएगी, ऑटो रिपेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए होता, मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी डैमेज हो, दिखे वीडियो उसमें डैमेज। ऑटो फ्लिप खुद ब खुद ही सीधी हो जाएगी, कीप इंजन एंड लाइट्स ऑन हर वक्त ऑन रहेंगे भले गाड़ी से बाहर में निकल जाओ, किल इंजन यानी इंजन बिल्कुल तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये देख सकते हो हमारा इंजन अब चल ही नहीं पाएगा, मैं गाड़ी चलाने की कोशिश करूंगा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं।
किल इंजन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रेनबो मोड। हाँ दोस्तों, अभी मेरे पिछले दिनों एक कमेंट आई थी कि एक बंदा बोल रहा था यार कि मेरी गाड़ी रेगुलर कलर चेंज किए जा रही है, मैं इसको एक्टिव कर दूंगा तो देखना ये कलर चेंज करने लग जाएगी। उन लोगों ने व्हीकल ऑप्शन में आकर रेनबो मोड को ऑफ कर देना है अगर तुम्हारे कलर चेंज किए जा रही है। वैसे तो बड़ी जबरदस्त लग रही है, पता नहीं कौन कौन से कलर दे रही है। इसके अलावा स्लाइडी टायर्स यानी फिसलने वाले टायर्स हो जाएंगे, क्रूज कंट्रोल यानी स्पीड भी दबानी पड़ेगी, बस इधर उधर करोगे और गाड़ी चलती जाएगी, सिंपल चीज है। टो मोड यानी किसी गाड़ी को टो वगैरह अगर करना है तो टो मोड ऑन कर देना। रेस बूस्ट हॉर्न को अगर बहुत तेज करना है तो ये ऑन कर देना। और इसके अलावा फ्लाई मोड, उड़ने लग जाएगी। ग्लू टू ग्राउंड यानी जमीन से के साथ बिल्कुल चिपक जाएगी। व्हीकल जंप करने लग जाएगी। हाइड्रोलिक्स इसके अच्छे हो जाएंगे। और ड्राइव ऑन वाटर पानी के ऊपर चलने लग जाएगी। इंक्रीज्ड मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगी। चाइल्ड लॉक यानी दरवाजे वगैरह नहीं खुल पाएंगे। डोर लॉक, अगर तुम इसको ऑन कर दोगे तो तुम्हारे दरवाजे नहीं खुलेंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल डोर लॉक को ऑन करके मैं इसके अंदर बैठने की कोशिश कर रहा हूँ तो देख सकते हो ये बेचारा अंदर नहीं बैठ पा रहा। मैं डोर लॉक को दोबारा से ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर। एक मिनट को ये मैंने ऑफ किया। अब मैं इसके अंदर अगर तोड़ क्यों दिया मेरा शीशा, वैसे ही बैठ जाता अंदर भैया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अगर मैं इसको रिपेयर कर लूंगा तो मेरा शीशा सही हो जाएगा। नो ग्रेविटी, हवा में उड़ने लग जाएगी, गबाड़ा हो जाएगी गाड़ी। प्लीज व्हीकल, यहाँ पर ये जम जाएगी बिल्कुल। सेट ऑन फायर, आग लगानी अगर तो सेट ऑन फायर कर दो। कलिजन को बिल्कुल मत छेड़ना, कलिजन को छेड़ोगे ये जमीन के अंदर चली जाएगी। डिलीट व्हीकल, तो सिंपल है, व्हीकल को डिलीट करना होगा तो डिलीट कर देना। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ। अब हमारे पास है सिंपल टेलीपोर्ट ऑप्शन। टेलीपोर्ट ऑप्शन में अगर फॉरवर्ड जाने क्लिक करोगे थोड़ा सा आगे होगा और आगे होगा और आगे होगा और आगे होगा और आगे होगा आगे होगा आगे होगा आगे होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये देख सकते हो चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएगा। इसके अलावा वे पॉइंट, तुम लोगों ने अगर मैप पर कोई भी सेट किया हुआ होगा उस पर क्लिक करोगे तो ये वे पॉइंट पर चले जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैप खोलता हूँ यहाँ पर, मेन्यू ट्रेनर से हटाकर ये मैंने मैप खोला और मैं वे पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। एक मिनट रुको, जरा मेरा कंप्यूटर बहुत लैग कर रहा है, बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा है, कबाड़ा कंप्यूटर है मेरा। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते, यहाँ पर आ जाओ भैया, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लगा दिया मैंने वे पॉइंट। स्केप दबाता हूँ, फिर से स्केप दबाता हूँ, यहाँ पर F8 दबाऊंगा, वे पॉइंट पर क्लिक करूंगा और ये देख सकते हो वे पॉइंट पर हमारी गाड़ी आ चुकी है, आकर यहाँ पर खड़ी हो गई बेचारी गाड़ी। तो बेसिकली ये वे पॉइंट पर आ चुकी है। वे पॉइंट के टेलीपोर्टेशन वगैरह यही है। और मिशन ऑब्जेक्टिव पर अगर टेलीपोर्ट करना हो तो ये कर लेना। मैप ब्लिप्स, मैप पर कोई ब्लिप लगाया हुआ उस पर टेलीपोर्ट करना हो तो वो तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो। शॉप्स वगैरह पर अगर जाना है तो वो कर सकते हो। सेफ हाउसेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइकल हाउस, ये देख सकते हो माइकल के घर में ये लोड हो जाएगा। कहां गया उई गाड़ी मैंने अंदर खड़ी कर दी भाई, घर के अंदर घुसा के। यहां से मैं वापस जाता हूं और इसको कर देता हूं लैंडमार्क में, कहां कर दें, कार्गो शिप के ऊपर आ गया भैया हम बेहतरीन। ये देख सकते हो कार्गो शिप के ऊपर आ गया। तो टेलीपोर्ट तुम लोग कर सकते हो जहां भी तुम लोग करना चाहो, बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं। यहां से मैं वापस जाता हूं। टेलीपोर्ट में जाने के बाद हाई अल्टीट्यूड वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है, यहां पर देख सकते हो सारे ऑप्शन तुम लोगों को मिलेंगे जितने भी इसमें होते हैं। कस्टम कोऑर्डिनेट अगर तुम लोग लगाना चाहते हो तो लगा दोगे तो वहां पर ये लोड हो जाएगी, जो भी कोऑर्डिनेट्स तुम लोग डालोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी डालो। फेवरेट्स का तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा, जो भी कोऑर्डिनेट तुम लोग फेवरेट बनाओगे वहां पर ये लोड हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास वेपन ऑप्शन। नीचे उतर जाओ माइकल, नीचे उतर जाओ, गन्स वगैरह दिखा दो। वेपन ऑप्शन है हमारे पास। वेपन ऑप्शन में दोस्तों हमारे पास इंडिविजुअल वेपन अगर कोई तुम लोगों को चाहिए तो यहाँ से जाओगे। तुम लोगों को फॉर एग्जांपल पैराशूट चाहिए, पिस्टल वगैरह चाहिए, मशीन गन चाहिए, यहाँ पर मशीन गन पर आओगे और SMG क्लिक कर दोगे और इक्विप वेपन कर दोगे तो ये देख सकते हो SMG माइकल ने ले ली। तो इस तरह से तुम लोग वेपन दे सकते हो स्पेसिफिक करेक्टर को अपने। गिव ऑल वेपन अगर हम लोग कर देंगे, अभी रुको देखो कोई भी वेपन नहीं है ना, मैं गिव ऑल वेपन करता हूँ। अब देखो कितने सारे वेपन हो गए, सारे के सारे वेपन मिल जाएंगे। गिव ऑल वेपन, गिव डिजी स्कैनर करते हैं तो जहर सी बात है डिजी स्कैनर भी बेचारे को मिल जाएगा। इसके बाद ये देख सकते हो, एक मिनट को जरा दिखाता हूँ, डिजी स्कैनर बन जा डिजी स्कैनर। हाँ भाई ये देख लो, डिजी स्कैनर आ गया है इसके हाथ में। ये ब्रीफ केस अगर तुम लोगों ने देना है हाथ में तो ऐसे दिया जाता है, जिन जिनको चाहिए था ना, जो जो बोल रहे थे कमेंट में कि ब्रीफ केस हाथ में पकड़ाना है, वो कैसे पकड़े, वो ऐसे पकड़ा जाएगा। गिव ब्रीफ केस कर दोगे वेपन में आकर तो हाथ में ब्रीफ केस आ जाएगा। गिव मैक्स एमओ, तो दोस्तों समझ में आ ही गया होगा कि जितना भी एमओ है वो मैक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 12 मैगजीन्स है ना, तो ये 12 से बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और गिव मैक्स एमओ भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर, देखें अब ये भी हमारी अनलिमिटेड एमओ हो जाएगी। रिमूव ऑल वेपन्स, ये मैंने क्लिक किया और बेचारे के सारे वेपन्स गायब हो गए माइकल के। यार गिव ऑल वेपन्स दोबारा से कर दूं बेचारे को। अब यहाँ पर अगर हमने इन्फिनिट पैराशूट चाहिए कि पैराशूट चलता ही रहे तो इसको ऑन कर देना है, इन्फिनिट पैराशूट हो जाएगा। इसके अलावा इन्फिनिट एमओ, गोलियां कभी खत्म हो ही ना, तो इसको हमने ऑन कर देना है। अब मैं कितनी भी गोलियां चलाऊंगा, गोलियां कभी भी खत्म नहीं होंगी किसी भी गन की। एक्सप्लोसिव मीली, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मेरे पास अगर चाकू है फॉर एग्जाम्पल, चाकू का गया, ये दोस्तों मैंने चाकू कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाकू मारूंगा ना किसी चीज को, जैसे मैं इस गाड़ी पर मारता हूँ, गाड़ी पर मारने की कोशिश, चाकू
कुछ होता है कि नहीं, देख रहे हो ओए, क्या मारा उसने, ऐसे खतरनाक तरीके से मार रहा, आग लगा दी गाड़ी में, दूर हो जाऊं, मेरी टर्सो फटने वाली है, टर्सो फट के तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, एक्सप्लोसिव मीली को हटा देना है, एक्सप्लोसिव एमओ, अगर मैं गन फॉर एग्जांपल निकालता हूं, मैं छोटी सी पिस्टल भी निकालता हूं, उससे मैं फायर करता हूं, तू देख सकते हो, ओए क्या आग मार रही है भैया, तबाह बर्बाद कर रही है, बहुत ताकतवर हो जाएगी, 10 फोल्ड बुलेट, बहुत ज्यादा बुलेट्स मारने लग जाएगा। एक मिनट जरा एक्सप्लोसिव एमओ को हटाऊं, एक्सप्लोसिव एमओ को हटाने के बाद देख सकते हो कितनी सारी गोलियां मारी, ये 10-10 गोलियां मारने लग जाएगा। और इसके अलावा इसको मैं बंद कर देता हूँ, फ्लेमिंग बुलेट्स, आग मारेगा ये गोलियों में, देख लो, ओए जला दिया मेरी गाड़ी को यार, अब तो बेचारी को आग ही लगा दी, इधर मेरे ख्याल में आग नहीं लगेगी कंटेनर पर। वेपन डैमेज, डैमेज कितना करना चाहते हो वो तुम लोग सेट कर सकते हो यहाँ पर, जो भी डैमेज करना चाहो वेपन से। बुलेट टाइम, बुलेट टाइम बेसिकली तुम्हारा ये समझो, ये देखो, देख रहे हो कितना स्लो स्लो हो गया, ये देखो क्या जबरदस्त लग रहा है, स्लो स्लो गोलियां चलाएगा भैया। और तुम लोग इसको सेट वगैरह भी कर सकते हो, उसको मैं हटा देता हूँ। और रैपिड फायर, तो तुम लोगों को पता ही चल गया होगा, रैपिड फायर अगर मैं करूंगा दबा के रखूंगा तो बहुत कुत्ते की तरह पागलों की तरह गोलियां मारेगा, देख लो कितनी ज्यादा गोलियां मारता है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह दोस्तों सोल स्विच, रोप गन, मैग्नेट गन, फ्लेम थ्रोअर गन, बाकी सारी चीजें दोस्तों ये बारी बारी तुम लोग चेक करते रहना, अगर मैं सारे वेपन समझाने लग गया तो पूरा दिन गुजर जाएगा। मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, और वेपन्स के बाद दोस्तों हमारा वेदर ऑप्शन है, वेदर ऑप्शन तो सिंपल है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रेन कर देता हूँ, ये मैंने रेन कर दिया तो बारिश होने लग जाएगी, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल वो कर देता हूँ स्नो, स्नो कहाँ गया, ये रहा स्नो कर दिया तो बर्फबारी गिरने लग जाएगी, यहाँ पर स्नो ऑन टेरेन को मैं ऑन कर दूंगा तो जमीन पर बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, देख सकते हो कितनी सारी बर्फ हो गई जमीन पर, तो ये बर्फबारी वाला लॉस सेंटोस बन गया, लॉस सेंटोस में भी बर्फ बनने लग गई, मर जा, मर ही नहीं रहे भाई, हमारे पास कोई गोलियां वोलियां है ही नहीं। विंड स्पीड वगैरह तुम लोग चाहो तो हवा को तेज कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, ओशन वेव्स बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, रेन पडल मल्टीप्लायर यानी जो ये समझो कि गारा वारा जो बनेगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग सेट करते हैं थोड़ा और बढ़ाते, ये मैंने इसको फुल किया, और मैं फॉर एग्जांपल देख लो कितना सारा पानी आने लग गया, तो ये बहुत ज्यादा पानी वगैरह तुम लोग सेट कर पाओगे, इससे जमीन पर बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल ग्रेविटी लेवल, अगर दुनिया का ग्रेविटी लेवल बढ़ाना चाहो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सन का भी बन सकता है भैया, अगर हम उछलने की कोशिश करें तो कुछ होगा, ये मेरे ख्याल में आम बंदों पे काम करेगा, जितना भी ग्रेविटी लेवल वगैरह है ना, अगर मैं गाड़ी वाड़ी कोई फेंकूंगा या कुछ करूंगा उठा के तो वो बहुत ज्यादा तेजी से जमीन पर आकर गिरेगी। और अगर मैं बर्फ यहाँ से हटाना चाहूँ, मैंने दोबारा से इसको किया, बर्फ यहाँ से हट गई, जो भी तुम लोग वेदर वगैरह करना चाहो वो इससे कर सकते हो, रीसेट वेदर कर दूंगा, सारा वेदर रीसेट हो जाएगा, और इसमें ऐसा कोई इतनी स्पेसिफिक चीजें नहीं है, यहाँ से वेदर से वापस चले जाऊंगा। टाइम ऑप्शन में दोस्तों सिंपली टाइम वगैरह तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल पॉज क्लॉक कर दोगे तो 11:24 पे ये पॉज हो गई क्लॉक, और सिस्टम टाइम कर दोगे तो जो कंप्यूटर का तुम्हारा टाइम होगा उसके साथ ये चलने लग जाएगा। और वैसे तुम लोग चाहो तो टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, दुनिया की स्पीड वगैरह भी सेट करना चाहो तो टाइम वगैरह की स्पीड वगैरह सेट हो जाएगी, बस यही चीज है, टाइम में और कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट स्पूनर, ऑब्जेक्ट स्पूनर दोस्तों अलग ही एक दुनिया है, स्पूनर मोड तो तुम लोगों को मैंने टास्क सीक्वेंस में बताया था, ये प्लस का साइन आ जाता है, और मैंने बकायदा टास्क सीक्वेंस वगैरह भी इसमें बताए थे, स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड में अगर तुम लोग कोई भी चीज स्पॉन करना चाहते हो तो इससे आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई पेट स्पॉन करना चाहूँ, यहाँ पर मैं आऊँ एनिमल में, यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर बिल्ली को स्पॉन, ये मैंने बिल्ली को स्पॉन कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम लोग कोई भी चीज स्पॉन करना चाहो तो वो ये स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड से कर सकते हो, यहाँ पर गाड़ियां भी, ऑब्जेक्ट्स भी, पेट्स भी, सारे कर सकते हो। मैनेज एंटिटी इनटू द डेटाबेस, अब डेटाबेस में हमारी जो भी एंटिटी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये बिल्ली है तो मैं बिल्ली पर लेकर आऊंगा, ये मैं बिल्ली पर लेकर आया और बिल्ली को यहाँ से मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा तो मेरी बिल्ली गायब हो जाएगी यहाँ पर, ये मेरी सारी चीजें हो गई मैनेज एंटिटीज में। यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ, मैनेज मार्कर, अगर मैंने कोई मार्कर लगाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्कर लगाया हुआ है तो उसको हटाना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा, कोई ऐसा इसमें चीज नहीं है। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ, अब आ गया मैनेज सेव्ड फाइल, अगर मैंने कोई फाइल सेव की हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना हॉस्पिटल लोड करता हूँ जिसमें ट्रेवर पड़ा हुआ था, या फिर मैं अपनी लैंड क्रूजर तबाह बर्बाद लोड करता हूँ, या फिर लेस्टर सीक्रेट टनल जो मैंने वीडियो भी बनाई थी तुम लोगों को दिखाया भी था, मेरे चैनल पर देख लेना कि टनल वगैरह कैसे बनाना है तो तुम लोगों को पता चल जाएगा, ये टनल वगैरह बनाया मैं, कुछ भी बनाया हुआ है वो सारी सेव फाइल्स XML फाइल सारी की सारी मैंने सेव फाइल से ही लोड होती है, ये तो तुम लोगों को पता होगा ही। क्विक मैनुअल प्लेसमेंट, अगर किसी भी चीज की मैनुअल प्लेसमेंट मैंने करनी है तो वो मैं सेट कर दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लोज एनिमी वगैरह या फिर माइकल वगैरह ट्रेवर वगैरह किसी भी चीज को सेट करना है, उसकी पोजीशन वगैरह सेट करनी है, मैनुअल प्लेसमेंट करनी है कि यहाँ पर खड़ा हो जाए, वहां पर खड़ा हो जाए, हवा में हो, जमीन पर हो, टेढ़ा हो, ऐसे हो, वैसे हो, वो सारा यही से होगा मैनुअल प्लेसमेंट। एडिट मल्टीपल एंटिटीज सिमल्टेनियसली, अगर मैंने कोई एंटिटीज डाली भी है ना तो उनको सिमल्टेनियसली मैं एडिट कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्रेवर को सेलेक्ट कर दूँ, जो मैंने ट्रेवर अगर लोड किया हुआ होगा तो ट्रेवर को फिर मैं वापस जाऊंगा तो यहाँ पर ट्रेवर की सारी चीजें प्रॉपर्टीज वगैरह टास्क सीक्वेंस उसके स्टार्ट करना वगैरह सारी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से वापस हम लोग चले जाएं, सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स तो जैसी बात है ये नॉर्मल हमारी ये समझो कि स्पूनर मोड की सेटिंग्स वगैरह है, यहाँ पर अगर तुम लोग जो भी सेटिंग्स देखना चाहो अपने हिसाब से कर देना, ये ऐसा कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तुम लोगों को इसका छेड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल जो चल रहा है
हो ना वैसे ही चलने देना। ये तो दोस्तों हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्पूनर, यहाँ से बाकी बचे फिर हमारे मिस्क ऑप्शन। मिस्क ऑप्शन में हमारे कैमराज वगैरह और हमारी ये समझो कि फॉर एग्जांपल मैं सेकर मोड इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ओए तबाहियां होने लग गई। अगर तुम लोग दुनिया में तबाहियां वगैरह करवाना चाहते हो कि हर वक्त तबाहियां होती रहें, तो बेसिकली इसमें सेकर मोड को ऑन कर देना और तबाह बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा सिटी। तो मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सेस, यानी फॉर एग्जांपल मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ मेरे पीछे पुलिस लग जाती है, मैं आर्मी के एरिया में जाता हूँ मेरे पीछे पुलिस लग जाती है, मैं नेवी के एरिया में जाता हूँ मेरे पीछे पुलिस लग जाती है, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे पीछे पुलिस लग जाती है। तो मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सेस को अगर ऑन कर दूंगा, यहाँ पर ग्रीन कर दूंगा, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ और मेरे पीछे पुलिस लगेगी ही नहीं, हर चीज हर जगह का मुझे एक्सेस मिल जाएगा। एक और दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग वाला है, वो है मिटियोर शावर। मैं इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ पर ओए होए एस्टेरॉइड जाकर गिरने लग गया। मिटियोर अबे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, पत्थर आसमान से आकर गिरने लग जाएंगे और तबाह बर्बाद करने लग जाएंगे शहर को। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो तुम लोग ये सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो, बहुत सारे इसमें। ब्लैकआउट, हाँ अगर किसी की लाइट जा रही है, अगर किसी की लोड शेडिंग हो रही है, लोड शेडिंग से बहुत परेशान है, GTA 5 में दिखाना चाहता है कि अंधेरा हो गया, तो इसको ऑन कर देना और तुम लोग नाइट टाइम करोगे। एक मिनट को मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले टाइम को नाइट कर दूँ। ये मैं गया टाइम ऑप्शन में, मैं जाता हूँ इसको मैं अंधेरा कर देता हूँ बिल्कुल। ये मैंने नाइट कर दी और यहाँ पर देख सकते हो कोई भी लाइटें नहीं जल रही है अभी। मैं जाता हूँ मिस्क ऑप्शन में दोबारा और सिंपल ब्लैकआउट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर लाइट हमारी वापस आ गई भैया, लाइट वापस आ गई, ये लाइट दोबारा चली गई, लोड शेडिंग हो गई। अपन कंप्यूटर पर GTA 5 डाल ही नहीं सकते, बार बार तुम्हारी लाइट जा रही है। यहाँ से जंप अराउंड मोड वगैरह उछलता रहेगा, बाकी ऐसा नहीं है। फायरवर्क्स, अहो ये देख सकते हो फायरवर्क्स होने लग जाएंगे आसमान पर भैया, फायरवर्क्स शुरू हो गए। तो बेसिकली ये तुम लोग देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो फायरवर्क। माइकल देखो फायरवर्क्स, मजा आ रहा है तुम्हें, बड़ा मजा आ रहा है ना, इतने सारे हो रहे हैं। तो ये तुम्हारा ये भी ऑप्शन हो जाएगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सिंपल ब्लैकआउट को भी मैं बंद कर देता हूँ, रोशनी वापस आ जाए, लाइट जो है वो हमारी वापस आ जाए, लोड सेटिंग बंद हो जाए। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सेस मैंने समझा दिया। एक्सप्लोजन एट वे पॉइंट पर जैसे ही मैं जाऊंगा बम फट जाएगा। अगर मैं कोई स्टोरी बनाना चाहता हूँ कि मैं गाड़ी में उस जगह पर गया और मैं जैसे ही वहां पर जाकर रुका या कोई और बंदा वहां पर जाकर रुका तो बम फट गया, जैसे ही पहुंचा बम फट गया, तो इसको ऑन कर देना। वे पॉइंट पर जाते ही बम फट जाएगा और बंदा मर जाएगा अगर मारना चाहते हो। डिक्रीज पेड पॉपुलेशन, दोस्तों वही है जो मैं हमेशा पेड पॉपुलेशन जीरो कर देता हूँ कि मेरे लोग वगैरह जो हो रोड पर वो सारे खत्म हो जाएं, वो इसी से ही होता है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो जीरो पॉपुलेशन हो जाएगी, आदमी वगैरह नजर नहीं आएंगे। और अगर व्हीकल को भी मैं ऑन कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, तो गाड़ियां वगैरह भी नजर नहीं आएंगी। मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ से, एक मिनट को जरा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हम लोग कितने बिजी तरीन एरिया में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात, क्योंकि जैसी सी बात है हमने डिक्रीज पेड पॉपुलेशन भी कर दिया, डिक्रीज व्हीकल पॉपुलेशन भी कर दिया, सन्नाटा हो जाएगा, स्ट्राइक लग जाएगी, हड़ताल हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा सब कुछ। मैं इसको दोबारा से हटा देता हूँ, हमारे यहाँ पर व्हीकल्स वगैरह आने लग जाएंगी, गाड़ियां वगैरह आने लग जाएंगी। आ जाओ गाड़ियां, आ जाओ, रोड खोल दिया हमने, हड़ताल बंद कर दी, स्ट्राइक खत्म, खोल दो, आ जाओ गाड़ी, ये आ गई गाड़ी। अब हम यहाँ पर पैड भी, पैड्स को, लोगों को भी इजाजत दे देते कि यहाँ पर लोग घूमने लग जाएं, यहाँ पर लोग भी घूमने लग जाएंगे। यहाँ पर डिक्रीज वेपन पिकअप, से तुम्हें पता चली गया होगा कि वेपन ज्यादा नहीं उठाएगा वो। कट सीन प्लेयर्स वगैरह में ये समझो कि जितने भी कट सीन वगैरह होंगे वो सारे यहाँ पर मौजूद होंगे, प्लेयर्स होंगे, नॉर्मल प्लेयर्स होंगे। टीवी प्लेयर, यहाँ पर टीवी प्लेयर सारा आ जाएगा, जो भी टीवी पर तुम लोग सेट करना चाहते हो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। टीवी पर जाओ, टीवी ऑन करो और ये सेट कर दो, तो टीवी पर आ जाएंगी। रेडियो हर वक्त बंद ही रखना है यार, क्योंकि दर्जी बात है आदाब बना रहता है रेडियो, इसको मैं बंद ही रखता हूँ हमेशा, मोबाइल रेडियो हर चीज को ऑफ रखता हूँ मैं। यहाँ पर जाते हैं हम लोग। एनिमल राइडिंग सिंगल प्लेयर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको डियर, ये आ गई हमारी डियर। अब मैं इसको करूँ यहाँ पर टॉगल, इसको टॉगल करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इसके पास जाकर मैं एफ दबाता हूँ, देख लो भैया हिरन के ऊपर बैठ चुका है माइकल, आहा मजा आ गया। अभी अगर मैं हिरन को चलाता हूँ यहाँ पर, एक मिनट को जरा मेन्यू ट्रेनर हटाऊ, चल जाओ हिरन, ये देख सकते हो हिरन चलने लगा, तो माइकल उसके ऊपर बैठा हुआ है और हिरन चले जा रहा है, देख सकते हो। तो ये है तुम्हारा किसी भी जानवर के ऊपर राइड करने का। भाई तुझे बड़ी ज्यादा जल्दी हो रही है, रुक जरा, वेपन जी नहीं मेरे पास, क्या बताऊंगा बेचारे को यार। साइड में हो जा हिरन, हिरन साइड में हो जा, साइड में हो जा बेटा, साइड में हो जा, जाने दे इसे, ये गाड़ी ठोक देगा हमें। तो देख सकते हो ये जानवर के ऊपर बैठ गया, माउंटेन लायन हम लोग कर देते हैं, इधर से नीचे उतरता हूँ। अब ये लाइन के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, एक मिनट को जरा, ये शेर के ऊपर बैठ गया भैया। अब शेर जहां भी जाएगा, शेर इसको बिठाकर ऊपर घुमाता रहेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, हटा दूं इसको बिल्कुल। चलो भैया जानवर के ऊपर से हट जाओ, यहाँ से मैं वापस जाऊंगा। और यहाँ पर आ गया क्लियर एरिया, जितना एरिया मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो सारा सेलेक्ट करके ऑल एरिया को क्लियर कर दूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक भी बंदा नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और मेरा गेम क्रैश हो गया दोबारा। दोस्तों मैंने अपना GTA 5 खोला, बड़ा टाइम लगा। अब हम कहां पर थे, एक मिनट को मेन्यू ट्रेनर ऑन करूं, मैं इस ऑप्शन पर थे हम लोग, यहां पर थे हम लोग, थे एक मिनट, यहां पर थे क्लियर एरिया वगैरह वगैरह, ये तुम लोग नहीं छेड़ना अगर तुम्हारा भी मसला आ जाता है तो। यहां पर हम लोग आ जाते हैं मैप मॉड्स वगैरह, ये सारी पुरानी चीजें, अगर तुम लोग गाड़ी गैराज वगैरह कुछ भी डालना चाहते हो तो वो यहां से डाल सकते हो। इसके अलावा HUD ऑप्शंस में हमारे
यहाँ पर ये मिनी मैप्स वगैरह, यहाँ पर ये जो नीचे मिनी मैप आ जाता है और यहाँ पर जो चीज़ें लिखी भी आ जाती हैं, ये सारे ऑप्शन है, ये तुम लोग बारी बारी चेक कर सकते हो। ये मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गेम कैमरा ऑप्शन अगर तुम लोग चाहो तो शेक टाइप वगैरह इसमें सेट कर सकते हो, हर वक्त मिलता रहेगा, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। डिलीट ऑल कैमराज, इसको मत छेड़ना, कबाड़ा हो जाता है गेम। इसके अलावा गेम इन गेम मोबाइल, अगर मोबाइल फोन नहीं चाहते कि मोबाइल फोन हो तो इसको क्लिक कर देना। यहाँ पर बाकी ऐसे कुछ भी नहीं है इसमें, मिस ऑप्शन में। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है सेटिंग्स का, मेन्यू ट्रेनर की। ये तो बकायदा थीम्स वगैरह है, जो भी थीम वगैरह सेट करना चाहते हो, मेन्यू कलर्स वगैरह सेट करना चाहते हो, बैकग्राउंड के कलर्स वगैरह जो भी हो वो यहाँ पर सेट हो जाएंगे। इसके अलावा तुम लोग मेन्यू की फोन्स वगैरह सेट करना चाहते हो, यानी लिखा हुआ कैसा नजर आए वो सारे सेट कर सकते हो। मेन्यू की पोजीशन करना चाहते हो, यानी इधर उधर जहाँ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेडियंट, अगर ये जो टेक्सचर ऐसे डिस्प्ले हो रहा है इसको तुम लोग हटा दोगे तो ये डार्क हो जाएगा, इसको तुम लोग चाहो तो हटा दो, चाहो तो नहीं हटाओ इसको। टाइटल ब्लॉक बॉक्स, ग्लोब, सेंटर ऑप्शन, सेंटर ऑप्शन, सेंटर ब्रेक, ये कोई इतने ऐसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस नहीं है सारे। अगर तुम्हारा कोई भी मसला आ जाता है मेन्यू ट्रेनर में तो रीसेट टॉगल कर देना, बस ये इंपॉर्टेंट है। या मेन्यू ट्रेनर निकालना, अपना GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में से मेन्यू ट्रेनर निकालना और दोबारा से डाल लेना तो रीसेट हो जाएगा मेन्यू ट्रेनर। मेरे ख्याल में उम्मीद है तुम लोगों को सारी चीजें मैंने समझा दी हैं और तुम्हें सारी चीजें समझ भी आ गई होंगी। और हाँ, टास्क सीक्वेंस अगर दोस्तों तुम लोगों को समझना है कि टास्क सीक्वेंस वगैरह कैसे लगाया जाए तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। और मेन्यू ट्रेनर का तो वैसे ही दे दूंगा कि ये वाली वीडियो देखकर मेन्यू ट्रेनर लाजमी डाल लो। अगर तुम्हारा कोई भी GTA 5 होगा तो इस वीडियो में मैंने जुगाड़ बताया हुआ है कि मेन्यू ट्रेनर कैसे डालना है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और उसको मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। तो एंड स्क्रीन पर ये वाली वीडियो देख लो मेन्यू ट्रेनर की और मेन्यू ट्रेनर डाल के फिर ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर वगैरह कर लो और GTA 5 में हर तरह की मॉडिंग कर लो।